हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग साइज 3.9 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है? ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। आफ्टर 12 इयर्स हिज एज विल बी ट्वाइस एज दैट ऑफ हिज सन, देन फाइंड देयर परसेंटेज। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फादर है जो अपने सन के एज से 3 टाइम्स है। फिर आगे कह रहा है कि आफ्टर 12 ईयर, है ना, अभी से यानी कि प्रेजेंट से 12 ईयर आफ्टर, तो 12 ईयर आफ्टर दोनों का एज 12 12 ईयर बढ़ जाएगा। तो क्या कह रहा है कि जो फादर है हिज एज विल बी ट्वाइस, अच्छा फादर का एज ट्वाइस हो जाएगा किसके, एज दैट ऑफ हिज सन्स, यानी कि वो अपने बेटे की एज से ट्वाइस हो जाएगा आफ्टर 12 ईयर। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का परसेंटेज लेंगे, लेट द, क्योंकि हमें परसेंटेज ही निकालना है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में एक्स ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में वाई ईयर्स कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? यहाँ पे देखो एक्स ले लेते हैं और इधर वाई ले लेते हैं। ये एक्स क्या है, परसेंटेज है फादर का, ये परसेंटेज है सन का। तो क्या कह रहा है कि फादर जो है अपने सन से 3 टाइम्स है, एज में उसका 3 टाइम्स है। तो यहाँ हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस का 3y = 0। एक इक्वेशन है क्या, अब देखिए ना क्या कह रहा है। आफ्टर 12 ईयर, तो ये क्या है, फादर का एज है और ये सन का एज है, तो आफ्टर 12 ईयर दोनों का एज 12 ईयर बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फादर जो हो जाएगा अपने सन के क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। चलिए तो एक्स प्लस का 2l = 2i + का हम लोग यहाँ पे 24 कर देंगे। 2i को इधर लाते हैं, 12 को इधर लाते हैं, तो एक्स माइनस का 2y = 2l, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। अब दोनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स माइनस 3y = 0 और एक्स माइनस 2y = 2l। साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, हाँ ये कट जाएगा, माइनस का y = -12, माइनस से माइनस हटा देंगे, y का वैल्यू क्या आ गया 12। y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में पुट कर देते हैं, यहाँ लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, एक्स माइनस का 3y = 0, एक्स माइनस का 3y के जगह पर 12 = 0। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स माइनस का 36 = 0, यानी कि x = 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल टू में 36 ईयर्स एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू में क्या हो जाएगा, वाई के वैल्यू 12 ईयर्स। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन